उस महान हस्ती का हम जन्मदिन 97वें जन्मदिन जो हम मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर के अंदर जिनका सोशल रिफॉर्म्स के लिए कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, सारी उम्र उन्होंने सेल्फ लेफ्ट सर्विस की, और जो पूरे भारत के अंदर डिप्रेस क्लासेस की जो मूवमेंट थी जम्मू कश्मीर के अंदर उस मूवमेंट को चलाया, और 1952 में उन्होंने हरिजन मंडल जो सेंट्रल था उसको जहां पर उसकी फाउंडेशन रखी, और उसके बाद उन्हें 57 से लेकर 62 तक वो एमएलए भी रहे और बहुत बड़े लायर रहे, और गरीबों के बहुजनों के जो उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे डट कर मुकाबला किया इस शख्स ने, और पूरी उम्र सेल्फ लेस सर्विस की और पूरी इंसानियत की सेवा की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने परिवार के लिए अपने लिए पूरी उम्र उन्होंने कुछ नहीं बनाया, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उन्होंने त्याग किया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं सोचा। उसी तर्ज के ऊपर हमारे बाबू मिर्खी राम जी ने भी, आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ने इनको फाइनेंस मिनिस्टर की कैबिनेट के अंदर ऑफर दी थी कि आप हरिजन मंडल तोड़ो, आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन इन्होंने समाज के साथ दगा नहीं किया, इन्होंने समाज के साथ ईमानदारी से काम करते हुए इन्होंने उनको ठोकर मार दी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और इसी तरह 1982 में जब ये शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड के जो चेयरमैन बने थे, वाइस चेयरमैन बने थे, तो 1982 में जो चेयरमैन बने थे, और 1984 में जब फारूक साहब की गवर्नमेंट टापल हुई तो इन्होंने रिजाइन दे दिया, इनको दोबारा फ्री, इन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ छोड़ी, अपना पेन तक वहाँ छोड़ के आ गए थे, और किसी किस्म का इन्हें लालच नहीं रहा। अगर हम एक मिसाल देते हैं, हाई थिंक सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अब बहुत अच्छी सरल उनकी रहनी थी, लेकिन सोच उनकी बहुत ऊंची सोच थी, और सारी उम्र उन्होंने दलितों के लिए, बहुजनों के लिए काम किया, और 5 मई 1999 को उन्होंने आखिरी सांस ली। और मैं कहता हूं कि हम उनको जम्मू कश्मीर का अम्बेडकर कहते हैं। तो इसी के साथ ये पूरे बहुजन समाज के लिए पूरी प्रेरणा है, आने वाले उनके लोगों के लिए पूरे